यूं तो केंद्र और राज्य सरकार किसानों की आय दुगनी करने के वादे खूब करती हैं। देश के सभी दल अपने आप को किसानों का हितैषी ही बताते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किसानों को कितना लाभ मिल रहा है ये हजारीबाग में देखने को मिल रहा है। किसानों ने इस बार दिन रात मेहनत कर धान तैयार किया और अधिक पैसे मिलने के लोभ में पैक्स में जाकर बेच दिया। धान बेचने के 2 महीने बाद भी किसानों को अब तक पैसे नहीं मिले हैं। अपने पैसों के लिए वो पैक्स कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। कई किसानों के घर में शादी है तो कई के बच्चों के स्कूल की फी बाकी है। अब वो दें तो कहाँ से दें, उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है। धान देने में 1 महीना हो गया है पैक्स में, 54 क्विंटल कुछ हम दिए हैं धान, अभी तक सरकार पेमेंट नहीं किए हैं। मेरा स्थिति खराब है थोड़ा, अभी सरकार चाहते हैं कि पेमेंट जल्द से जल्द हो। जहाँ दिक्कत कहाँ हो रहा है? सरकार से दिक्कत हो रहा है, सरकार बोले थे कि 15 दिन के बाद होगा, लोग पैसा तुरंत मिलेगा, नहीं दिए अभी तक। कोई तकलीफ है, 60 क्विंटल के अंदाज धान दे चुके हैं, अभी तक 1,20,000 रुपया के लगभग में आना चाहिए। यहाँ हल्ला हो गया, फैक्स वाला बोल दिया, बोल 20 रुपये 50 पैसे मिलता है, जल्दी पैसा आ जाएगा, इसलिए हम धान बेच दिए। थोड़ा बाल बच्चा को भी पढ़ाने में तकलीफ हो रहा है। दूसरी बात, ये तरी धंधा रहेगा तो किसान खेती कहाँ से कर पाएगा। रोमी के पैक्स अध्यक्ष तीरू प्रसाद मेहता भी मानते हैं कि इस बार वे बुरे फंस गए हैं। सरकार ने धान खरीदने को कहा था और जल्द पैसे देने की भी आश्वासन दी थी। किसानों को 2,20,00,000 रुपए का भुगतान करना है, जिसमें सरकार ने केवल 19,00,000 रुपए का ही भुगतान किया है। किसान अब पैसे लेने घर तक पहुंच रहे हैं। वहीं सांसद जयंत सिन्हा ने भी हेमंत सरकार पर उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से इस मुद्दे को सदन में उठाने की भी मांग की है। हमारे पास समस्या ये है कि हम धान किसानों से ले रहे हैं, जिसका सही समय पेमेंट नहीं हो पा करवा पा रहे हैं, और धान जो है सो मेरा बाहर पड़ा हुआ है, मेल भेजते हैं तो 4-5 दिन के बाद अनलोडिंग होता है, जिससे हमको बहुत परेशानी होती है धान भेजने में। साथ ही हम लोग का जो भाड़ा देना पड़ता है तो भार अधिक पड़ रहा है। तो 12,000 क्विंटल धान हम खरीद चुके हैं, इसमें मात्र 19,00,000 रुपया पेमेंट हुआ है किसानों को, और किसे सब किसानों को बकाया है, जो बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं कि जल्दी पेमेंट हो हमारा, लेकिन व्यवस्था ऐसी है। बकाया है अभी तक 19 लाख बढ़े थे, मानो 2,20,00,000 रुपये लगभग बकाया है। यहाँ भी बड़ी शर्मनाक हालत है। आज के समय धान की फसल करीब 80 करोड़ की फसल आई है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार के द्वारा इसका भुगतान सिर्फ 28 करोड़ का हुआ है, यानी कि 52 करोड़ का भुगतान अभी भी पेंडिंग है हमारे किसानों के लिए। किसानों को ये पैसे मिले नहीं हैं। ये फिर मैं कहूँगा कि राज्य सरकार की अयोग्यता है कि ये जो पैसे 6 महीने पहले जिस फसल को दिया गया उसका अभी भी हम लोगों को पैसा नहीं मिला है। अन्नदाता खेती कर ही अपना भरण पोषण करते हैं। अच्छी फसल उगाने के लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि उन्हें फसल का बेहतर दाम मिल सके, लेकिन आज उन्हें अपना हक नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी स्थिति दयनीय होती जा रही है। गौरव प्रकाश, ईटीवी भारत, हजारीबाग।